Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification. How are you? Students, happy Children's Day. और आप लोगों ने आज खूब इन्जॉय किया होगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करता हूँ क्लास सेवन मैथ चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंस। तो स्टूडेंट्स समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि अगर जैसे स्टूडेंट्स ये आप एक 10 रुपीज़ का नोट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर इसी टाइप के एक नोट को दूसरे नोट को हम इसके ऊपर इस तरीके से रख दें स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे आपके आपको केवल एक ही नोट दिखाई दे रहा है, दूसरा नोट नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर एक फिगर मतलब कोई भी एक फिगर अगर दूसरे फिगर को कम्प्लीटली कवर कर लेती है, कम्प्लीटली कवर कर लेती है, तो हम कहते हैं कि वो दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो, कोई भी फिगर जो है स्टूडेंट्स वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है अगर वो एक जैसे हों। जैसे स्टूडेंट्स एक नोटबुक का जो पेज है वो दूसरे नोटबुक के सेम नोटबुक के पेज के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये स्टूडेंट्स आपके कहलाते हैं। अगर कोई दो फिगर एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दीज टू फिगर्स इफ़ वन फिगर इज़ कम्प्लीटली कवर्ड टू द अनदर फिगर देन दीज टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ये स्टूडेंट्स ये आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। इफ़ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन इनका मीनिंग क्या है वो आपको समझना है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सम टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। तो स्टूडेंट्स टू लाइन्स, ये भी स्टूडेंट्स आपकी क्या हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट्स हो सकती हैं इफ़ दे हैव द सेम लेंथ। टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो लाइन होती है इसमें विड्थ नहीं होती है, इसकी हम केवल लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि ये वन डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें केवल एक ही चीज़ को मेजर हम कर सकते हैं, वो कहलाते हैं स्टूडेंट वन डायमेंशनल फिगर, जिसमें केवल लेंथ हो या केवल ब्रेथ हो या केवल हाइट हो, तो वो चीज़ें कहलाती हैं वन डायमेंशनल। तो टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम लेंथ स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, टू एंगल्स सम टाइप ऑफ, तो ये लाइन्स के लिए हो गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम काहे की एंगल्स की। तो अगर स्टूडेंट्स दो एंगल अगर उनका मेज़रमेंट सेम है तो दो एंगल जो है स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम मेज़रमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आएगा, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम, और लेंथ की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेज़रमेंट। इसके इस प्लेस पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेज़रमेंट आ जाएगा। ये देखिए सेम मेज़रमेंट, बाकी डेफिनेशन उनकी सेम रहेगी। तो एक इस टेक्निक से आप इनको पढ़िए। अब स्टूडेंट्स बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, टू स्क्वायर्स को भी हम कह सकते, अगर उनकी साइड की लेंथ स्टूडेंट क्या हो सेम हो तो दो स्क्वायर भी। तो इसी तरीके से किसी भी फिगर अगर उनका जो मेज़रमेंट है या उनकी लेंथ है या जो भी है जो भी उसमें दिया गया है, जैसे स्क्वायर है तो उसमें फोर साइड की लेंथ दी होती है, तो चूंकि स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ सेम होती है, तो अगर दो सेम लेंथ दो स्क्वायर अगर उनकी साइड की लेंथ सेम है तो वो भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो विशेष रूप से हमें टॉकिंग करनी है या डिस्कशन करनी है वो हमें करना है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ए पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले स्टूडेंट्स हम
केस फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या केस फर्स्ट ये कहलाता है साइड साइड साइड, इसको शॉर्ट में बोल देते एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर दो ट्रायंगल बने हुए हैं इस तरीके से, एक जैसे बनने चाहिए, ये तो रफ फिगर है, तो इसमें आपको अब देखिए स्टूडेंट्स ये ए बी सी और ये हो गया आपका डी ई एफ। अब स्टूडेंट्स इसमें ए बी जो है आपकी वो डी ई के इक्वल है और ये बी सी आपकी ई एफ के इक्वल है और ए सी आपकी, ये स्टूडेंट थ्री थ्री लाइन जिसमें है थ्री डॉटेड लाइन है, ये इक्वल है फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो गया कि ए बी की जो कॉन्ग्रुएंसी हो गई, यानी इसमें क्या हुआ आपका कि ए बी जो है वो इक्वल है आपकी सॉरी डी ई के, ए बी इक्वल है डी ई, ये ए बी स्टूडेंट्स डी ई के इक्वल है और बी सी इक्वल है ई एफ के और ए सी इक्वल है स्टूडेंट्स डी एफ के। तो स्टूडेंट्स इसमें ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं ए बी डी ई के, तो अगर इसकी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए ध्यान से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स डी ई एफ। अब स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, देखिए ये हमने लिखा तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि जो यहाँ पर जैसे फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी को हम लें यहाँ, तो यहाँ हम डी और ई को लेंगे, तो देखिए ये आपका आगे ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसको ये करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं है कि हम यहाँ ए बी सी लिख दें और कॉन्ग्रुएंट ई डी एफ, ऐसा नहीं लिख सकते हम, क्योंकि फिर इसका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लास्ट के ये दो लिए बी सी, तो यहाँ लास्ट के दो ई एफ, तो बी सी किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट ई एफ के। फिर देखिए हमने फर्स्ट और थर्ड लिया, ये पहला और ये तीसरा ए और सी, तो यहाँ डी और एफ, तो ये देखिए ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो अगर ये ऑर्डर करेक्ट है तो ये ऑर्डर करेक्ट आएगा और ये करेक्ट ऑर्डर लिखा है, तो इससे हम इसको अगर चेक करेंगे तो ये इसको फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये कहलाता है हमारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब स्टूडेंट्स इनका जो प्रूफ है वो नाइन्थ क्लास में है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको कंडीशन समझना है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स केस सेकंड है, देखिए केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में आता है स्टूडेंट एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ये स्टूडेंट सेकंड कंडीशन है। अब स्टूडेंट इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए एस ए एस, तो इसका मतलब ये है कि दो साइड के बीच में, देखिए यहाँ एंगल दिखाई दे रहा है, दो साइड के बिटवीन एंगल है, एस के बाद ए है फिर एस है। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल दिए गए हैं और दोनों के साइड के दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के बिटवीन अगर एंगल इक्वल हैं तो वो दो दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे या कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है, ये देखिए आपके दो ट्रायंगल हैं, ये स्टूडेंट ए बी सी और ये स्टूडेंट डी ई और एफ। अब स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या कि देखिए ये अगर हम इस साइड को इसके इक्वल माने और इस वाली साइड को इसके इक्वल माने तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना ही चाहिए, अदरवाइज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे है देखिए साइड एंगल साइड, ये अच्छे समझ लीजिए साइड एंगल साइड। तो स्टूडेंट होगा इसमें क्या, अब देखिए अगर ए बी इक्वल किसके डी ई के और स्टूडेंट्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि बिटवीन एंगल आएगा तो पहले एक साइड आएगी फिर एंगल आएगा फिर इसके बाद साइड आएगी, तो ये हो जाएगा देखिए ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अगर ऐसा है
तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ई एफ। अब फिर देखिए स्टूडेंट, देखिए ए बी पहले सेकंड लिया तो डी ई के, अब देखिए ये एंगल पहला और ये एंगल ये पहला, तो ए और डी इक्वल हैं। फिर ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये ए सी है और ये डी एफ है स्टूडेंट, तो ए सी इक्वल किसके हो गया, डी एफ के हो गया स्टूडेंट्स, ए सी इक्वल डी एफ। अब स्टूडेंट बात करते हैं केस थर्ड की, केस थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, ए एस ए, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, आपको केवल इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। बस स्टूडेंट इसको जो लिखा है पहले इसको ऑब्जर्व करिए कि ये ऐसा क्यों लिखा है, एंगल फिर साइड फिर एंगल इस तरीके से दिया क्यों है ये। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि जब भी किन्हीं दो एंगल के बिटवीन साइड, किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बिटवीन साइड के इक्वल होगी तभी स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंस होगा। अलग अलग कंडीशन है, तीनों साइड इक्वल हैं, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हैं तो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे। एस ए एस दो साइड और बिटवीन एंगल, जैसे कि यहाँ बताया गया, इसको दो तीन बार आप लोग देखिए ध्यान से वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स ए एस ए, तो देखिए मैं आपको फिर से एक फिगर बनाए दे रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई और स्टूडेंट एफ। अब देखिए दो एंगल, तो ये एक एंगल ये ले लिया तो ये वाली साइड होगी और फिर ये एंगल। अब देखिए इन दोनों एंगल के बीच में ये स्टूडेंट्स ये साइड दी गई, इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड दी है आपके स्टूडेंट्स, तो ये दो एंगल और ये साइड। बस स्टूडेंट अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, पहले एंगल लिखेंगे फिर साइड आएगी, तो अब साइड कौन सी है स्टूडेंट, ए बी और डी ई। फिर स्टूडेंट कौन सा एंगल बचा, बी और एंगल ई। तो ये स्टूडेंट्स इसके, तो हम कह सकते हैं कि देखिए ए बी और बचा क्या इसमें सी, क्योंकि इसमें ए बी सी कहीं नहीं आया, लेकिन चूंकि जो थर्ड होगा, चूंकि ट्रायंगल में तीन होते हैं ए बी और सी, चूंकि तीन इसकी साइड होती हैं, तीन इसके एंगल होते हैं, थ्री इसके वर्टेक्स होते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी, क्योंकि देखिए ए डी से रिलेटेड है और बी आपका ई से रिलेटेड है, ये बी ई से रिलेटेड है, तो डी के बाद ई आएगा, फिर इसके बाद इसमें बचता क्या एफ। तो स्टूडेंट्स ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके। अब स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ कंडीशन क्या है आपकी, फोर्थ कंडीशन है आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है स्टूडेंट्स आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो स्टूडेंट्स आर एच एस क्या है, आर एच एस का मतलब है राइट ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का यानी स्टूडेंट राइट ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस एंड कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट राइट ट्रायंगल होना जरूरी है, ये राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो स्टूडेंट उसको कहते हैं राइट ट्रायंगल। ये देखिए ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री ए बी सी डी ई और एफ। अब स्टूडेंट देखिए ये इसका हाइपोटेनस ए सी है तो ये इसका हाइपोटेनस क्या है डी एफ है, और कोई एक साइड स्टूडेंट्स हाइपोटेनस और ये वाली साइड अगर इसके इक्वल हो जाएगी तो ये स्टूडेंट्स जो है वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल आर ये। अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस इसके इक्वल है, ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है, तो ये स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल क्या है ये ध्यान रखना है, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल।
तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ और ए बी इक्वल डी ई। फिर एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है अपना, जो कि राइट ट्रायंगल है, ये साइड भी इसके हो सकती थी। अगर ये हम नहीं लेना चाहें तो इसको भी ले सकते स्टूडेंट, सी बी और एफ ई। अब देखिए ये स्टूडेंट हो गया, तो बस ये आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए चेक करना है, तो ये देखिए बी, ये बी एंगल 90 डिग्री, और बिटवीन कौन सा है ई, तो बी और ई देखिए इक्वल होंगे। ए बी, ये ए बी, और तो अब अगर स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल अगर स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल, इस चीज़ को स्टूडेंट्स याद रखना कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसको स्टूडेंट्स शॉर्ट में बोलते हैं सी पी सी टी। सी का मतलब है करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब है पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। सी पी सी टी का मतलब ये स्टूडेंट्स होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, सी पी सी टी। तो स्टूडेंट्स अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो जितने भी जो पार्ट बचेंगे उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कोई पार्ट किसी के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब ये है कि अब ये साइड बची तो ये साइड अब इसके इक्वल हो जाएगी। ये एंगल ए इस एंगल डी के इक्वल होगा, ये एंगल सी इस एंगल एफ के इक्वल होगा। ये जो पार्ट बचे थे इनके जो करस्पॉन्डिंग है, जैसे ये इधर है ये इधर है, तो ये इक्वल होंगे। ये साइड है ये साइड है, तो ये इक्वल होंगे। ये इसका मतलब होता है स्टूडेंट सी पी सी टी का। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और इसमें बता रहा है कि कॉन्ग्रुएंस एंड एरिया, कॉन्ग्रुएंस एंड एरिया। तो अगर स्टूडेंट्स दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर स्टूडेंट्स दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं देन दे आर इक्वल इन एरिया। तो स्टूडेंट्स उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया स्टूडेंट्स इक्वल होगा। लेकिन अगर दो फिगर का एरिया स्टूडेंट्स इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हों, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। लेकिन अगर दो फिगर का एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हों स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।